गुड मॉर्निंग क्लास 12 केमिस्ट्री। लास्ट क्लास में हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़े थे। इसके बाद जो पेज नंबर 97 में है, मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, ये वाला टॉपिक जो है इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, बाकी बाद में हमसे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारे टॉपिक को पढ़ते हैं पेज नंबर 98 पे, जो की डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, मीन्स ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का क्या डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ये एग्जाम में नॉर्मली पूछा जाता है। तो पहले डिफरेंस अगर देखें तो ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ अ सेल व्हेन न्यू करंट इज पासिंग, मतलब ईएमएफ एक पोटेंशियल डिफरेंस है एक तरह का, जो कि दो इलेक्ट्रोड के बीच में, किसी भी सेल के दो इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उन दो इलेक्ट्रोड के बीच में फ्लो करता है ना, ये डेवलप होता है। और तब होता है जब कोई भी करंट पास ना हो, यानी ओपन सर्किट, ओपन सर्किट मतलब कनेक्शन ज्वाइन ना हो, ठीक है। अब इसमें देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का, इट इज द डिफरेंस बिटवीन बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू इलेक्ट्रोड अंडर एनी कंडीशन, मतलब ये एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का दो इलेक्ट्रोड, मतलब सॉरी किसी दो इलेक्ट्रोड के दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उनका डिफरेंस होता है, उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, सिंपल है। नेक्स्ट ईएमएफ कैन बी मेजर्ड बाय पोटेंशियोमेट्रिक मेथड, मतलब इसे पोटेंशियोमीटर के हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं, इसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, याद रखिए ईएमएफ का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इट कैन बी मेजर्ड बाय वोल्टमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे मेजर करते हैं, वोल्टमीटर के थ्रू। नेक्स्ट इज इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ सेल, मतलब कि एक ऐसा मैक्सिमम वोल्टेज है, सबसे ज्यादा वोल्टेज जो कि हम किससे ऑब्टेन करते हैं, कहां से मिलता है, सेल के थ्रू मिलता है, ओके, जैसे कार और बाइक में जो बैटरीज रहती है ना उसके थ्रू, उसमें मतलब उसी का एग्जांपल है। इसमें देख लो इट इज लेस देन मैक्सिमम वोल्टेज, मतलब ये उससे कम वोल्टेज प्रोड्यूस करता है ना, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है ईएमएफ का, वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर द फ्लो ऑफ स्टेडी करंट इन द सर्किट, मतलब ईएमएफ जो है ये रिस्पांसिबल होता है इसके लिए, फ्लो ऑफ स्टेडी करंट इन द सर्किट, मतलब सर्किट में स्टेडी करंट, स्टेडी यानी एक समान, ना ज्यादा हो ना वोल्टेज ज्यादा हो ना कम हो, वोल्टेज एक समान स्टेडी कॉन्स्टेंट बना हो, तब रिस्पांसिबल होता है कौन, ईएमएफ। और पोटेंशियल डिफरेंस में देखें तो इट इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर द फ्लो ऑफ स्टेडी करंट इन द सर्किट, मतलब सिंपली उसका ऑपोजिट कर दो, जैसे ईएमएफ रिस्पांसिबल है तो पोटेंशियल डिफरेंस रिस्पांसिबल नहीं है, ओके। तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच जो डिफरेंसेस है, ठीक है। नेक्स्ट हम पेज नंबर, तो अब हम नेक्स्ट अपना नर्नस इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन टू केमिकल सेल्स पेज नंबर 99 पे बढ़ते हैं। तो नर्नस इक्वेशन को मेनली देखते क्या बताया, इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड मेटल डिपेंड ऑन अ कंसंट्रेशन ऑफ आयन, मतलब किसी भी इलेक्ट्रोड मेटल जो है मेटल रॉड, उसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, उसकी कंसंट्रेशन ऑफ आयन, मतलब आयन की जो कंसंट्रेशन है उस पे, एंड टेम्परेचर ऑल्सो, मतलब टेम्परेचर जो मतलब ऑक्यूपाई करता है। सो द ईएमएफ ऑफ सेल ऑल्सो डिपेंड ऑन दोज फैक्टर्स, तो मतलब ईएमएफ ऑफ सेल जो है वो भी इन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, कौन कौन से फैक्टर, कंसंट्रेशन ऑफ आयन एंड टेम्परेचर। Nernes studied this factor which affect the EMF and proposed Nernes equation. Nernes ने इन factors को study किया और एक equation को उन्होंने produce किया या propose किया, sorry produce नहीं propose किया था उन्होंने equation को। It represent the electrode potential of a reduction half reaction. मतलब ये electrode potential को represent करती है reaction. जो आपके सामने diagram में बनी है क्या represent कर रही है, electrode potential of a reduction half reaction. मतलब एक half cell की जो reaction है जो कि आपने डेल्टा सेल में लिखा था। नेक्स्ट नर्नेस इक्वेशन ऑफ फॉर अबव रिएक्शन विल बी, अब नर्नेस की जो इक्वेशन थी वो क्या थी, देखते E इज इक्वल टू E इज इक्वल टू E0 माइनस RT अपॉन नंबर ऑफ जो भी फैक्टर्स है आपका, जो टेंपरेचर कंसंट्रेशन है, इनटू 1N नंबर, अब ये 1N क्या है आपको आगे बताऊंगा, इनटू अंडर ब्रैकेट M अपॉन MN प्लस, ठीक है। इसको हम दूसरे फॉर्म में लिखा है log 10, यहाँ पे log लिया गया है log
ठीक है, इन द रिएक्शन, मतलब जो रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्लूड हो, ई इज द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, या आपका ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, राइट, ई जीरो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, ई जीरो क्या आपका ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, ध्यान से समझे, आर आपका क्या है गैस कॉन्स्टेंट, ये जो आपका आर है ये क्या है गैस कॉन्स्टेंट, यहां पर लिखा है आर, ये क्या आपका गैस कॉन्स्टेंट, 8.314 जूल पर केल्विन माइनस वन मीन्स इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है, ये इसकी वैल्यू क्या है गैस कॉन्स्टेंट, टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, आपका जो टी है आगे बाद में लिखा है टी, ये आपका क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब जो आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर रिएक्शन में बना रहता है, ये भी फैक्टर है जो इफेक्ट करता है, एफ इज अ फैराडे कॉन्स्टेंट, एफ क्या आपका फैराडे कॉन्स्टेंट, ये जो आपका मैंने लिखा एनएफ, ये क्या आपका फैराडे कॉन्स्टेंट, ओके, एम इज द इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन एंड एम एन प्लस इज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एम इज द इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन, एम एन प्लस मीन्स इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन है, जो मैंने आपको बताया था आयंस में डिसोसिएट होते हैं ना वो, तो एट 298 केल्विन दिस इक्वेशन विल बी, मतलब एट 298 केल्विन मतलब रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन क्या हो रही है, आप देखते हैं ई इज इक्वल टू मीन्स इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.059 आरटी जो था आपका वो गैस कांस्टेंट था और टी क्या था आपका एब्सोल्यूट टेंपरेचर ओके अपॉन एन करंट कांस्टेंट यहां पे आपका बढ़ गया इनटू लॉग 10 इनटू 1 अपॉन एमएन प्लस एमएन प्लस बीच मैंने आपको बताया था कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो ये सिंपली आपकी रिएक्शन जो है ये रिजल्टेंट आपका आ रहा है मतलब ये जो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं उसके बाद आपकी रिएक्शन में क्या चेंजेस आते हैं इसे नंबर इक्वेशन के थ्रू हम समझ सकते हैं ठीक है तो ये आपकी अभी हाफ रिएक्शन मैंने आपको समझाया बाकी की जो हाफ रिएक्शन है मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा क्योंकि आपकी वीडियो पहले से ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है